हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, सूचना मिलती है और जीवन के अपने उसी परम राह पर निकलना पड़ता है, रात हो या दिन हो। कभी कभी सांप हमारे घर में गर्मी की वजह से आते हैं, तो कभी कभी भोजन की तलाश में, और कभी कभी बारिश से बचने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही एक छोटा सा परिवार है, जौनपुर सिटी से 12 किलोमीटर की दूरी पर परियावा गाँव है। कौन सा गाँव सर? ये परियावा। तो दोस्तों, आइए निकालते हैं, दिखाते हैं कि सांप कौन सा है। नजर जमाए रखी, खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसे में दिखाना जरूरी है। तो प्लीज कम ऑन, दोस्तों आप देख सकते हैं, जहाँ पर इंसान रहता है अपना आसियाना बना के रखता है, तो सांप सबसे पहले इसमें था। दोस्तों सांप सबसे पहले इसमें था, फिर इसके बाद यहाँ से निकल करके दीवार पर आया, दीवार से दीवार में गया, लोगों ने दीवार को गिरा दिया, ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ करके दोस्तों ये देख सकते हैं, इस पाइप में ये घुस चुका है। सर कोई पतली सी लकड़ी लाई, इधर से ही इसको बोलना मना है। सबसे बड़ी बात ये है, जुबान बंद रखिए। हाँ, छेड़छाड़ करिए, बोलिएगा मत। बस देखिए कुर्सी ला सारा दोस्तों, कुर्सी ना होगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं, उधर जाइए, उधर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये गुस्से में निकला और फिर एकाएक उसी पाइप में चला गया है। थोड़ा शांति बनाइए सर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अब ये जो है निकलने वाला है। दोस्तों हाँ डरिए मत, लगाए नहीं, ऐसे करते रहे, यहाँ करते रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जब भी इसके साथ छेड़छाड़ होता है, यानी कि ये इंडियन स्पेक्टल्ड कोबरा है दोस्तों, तो अगर ये गलती से आपको बाइट करता है तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए। कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं। अंधविश्वास के चक्कर में आए दिन इंसान की मृत्यु होती रहती है। तो चलिए एक बार फिर से सर, नहीं नहीं आप घबराइए नहीं, हम बता रहे हैं क्या करना है। और एक बार हाँ करते रहे। तो दोस्तों इसको इसमें से निकाल लेते हैं, क्योंकि बार बार जाता है, थोड़ी दिक्कत होती है। और निकलिए सर, और करते रहिए। हाँ तो दोस्तों अभी केचुल छोड़ने वाला है, इसी को इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं और इसी को नाग कहते हैं। और दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में इसको फेटार के नाम से भी जानते हैं, और कहीं कहीं पर बिहार की तरफ इसको गेहून के नाम से भी जानते हैं। हालांकि पलटू भी बोल दिया करते हैं, क्योंकि पलटने में बहुत माहिर है। तो यही न्यूरोटॉक्सिस का वेनमस स्नैक है दोस्तों। अब ये निकल चुका है, अरे निकल आओ भाई थोड़ा। हाँ, और खोद खाद करिए सर। नीचे हल्ला मत करे, लंबे है। चिल्ला मत, चुप रख तुम, लंबे रहा तुम लोग, बाहर आओ थो ना, कहाँ घबरा। तो चलिए दोस्तों इसे हम कैच कर लिए हैं, थोड़ा सा बाहर ले भी चलते हैं। चल 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 चल, इस तरफ बाहर ले जाओ, बस हो गया। तो दोस्तों काफी कड़ी मेहनत करना पड़ा, तब जाकर ये निकला है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, जब भी इसके साथ छेड़छाड़ होता है या चौका चुकी होती है, तभी जाकर के ये इंसानों को बाइट करता है, और नहीं तो नहीं करता है। होता क्या है, कभी कभी भोजन की तलाश में ये घर में हमारे घुस जाता है, हम इसको निकालते हैं बाहर और डिब्बे में पैक करते हैं जस्ट नाउ अभी। ठीक है।
चलिए चलिए क्या निकाली हो तो चलिए दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त होते हैं और इसे ऐसे काफी परेशान था लोगों ने इसको बचा लिया। तो ठीक है दोस्तों हम इसे पैक करते हैं डिब्बे में और लेकर चलते हैं फिर जंगल की तरफ रिलीज करते हैं। ऐसे जीवों को आप ही मारिए नहीं, इन्हीं से हमारा पर्यावरण सेफ होता है। और इसके काटने पर आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं। आए दिन अंधविश्वास के चक्कर में हमारे गाँव हमारे समाज में मृत्यु हो जाती है लोगों की और लोग समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ये न्यूरोटॉक्सिस का वेनमस स्नेक है, इसी के वेनम से ही एंटी वेनम तैयार होता है, इसलिए इसको मारना हरगिज नहीं चाहिए। चलिए डिब्बे में पैक करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम पैक कर दिए। और तो दोस्तों इसमें जगह भी है और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए।